अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मुहम्मद काशिफ और तुम देख रहे हो काशिफ विलाग। आज मैं तुम्हें विजिट करवावगा पूरी पार्क का कि जड़ा कि थेजन दे विच है। चलो आओ चलते हैं। तो जी दोस्तों, पार्क तो एंटर होने तो पहला तो एक बड़ी वीडी पार्किंग इतने अवेलेबल जिदे अपनी गड्डी वगैरह पार्क कर सकते हैं। बड़ी खुली जगह है। तो तुम जो पार्क तो एंटर होना है तो तुम्हें एक ब्रिज के जरिए एक दरिया जड़ा है वो अबूर करना पैंदा। उस तो बाद टिकट काउंटर आता है। तो जी बड़ा ही खूबसूरत पुल है जिदे जरिए असी पार्क के एंटर हो सकते हैं। जो ही तुम पुल क्रॉस करते हो तो एक ऑफिस आएगा, टिकट ऑफिस, वो तो एक टिकट परचेज करनी पेगी। पर परसन जड़ा है वह 2000 कोरियन वॉन तुहानू पे करना पैंदा। टिकट तुसी परचेज करके ते इस तो बाद तो एक सामने बहुत वड्डा ग्राउंड मिलेगा ते उत्थे सिटिंग लई जगह भी मिलेगी। तुसी बह के पिकनिक भी मना सकते हो ते ग्राउंड दे विच अपनी प्लेइंग एक्टिविटी भी कर सकते हो। ते ग्राउंड दे बिल्कुल नाल ही एक म्यूजियम है जिदे विच रॉयल किंग्स वगैरह की हिस्टरी वगैरह उन्होंने दसी हुई है। तो पार्क काफ़ी रकबे के उत्ते मौजूद आ जिदे अराउंड सराउंडिंग दे विच काफ़ी पहाड़ियाँ तो एक लेक भी है। यह तुसी देख सकते हो बड़ा ही खूबसूरत मंजर है। क्योंकि अजकल सर्दियों का मौसम है तो ग्रीनरी कुछ इतनी खास नहीं, पर मौसम बहार दे विच तुसी आओ तो बहुत ज़्यादा तुहानू इत्थे एनवायरमेंट जिहड़ा है इंजॉय करन नू मिलता है। तो दोस्तों ये पार्क 1997 दे विच नवंबर दे विच ये पार्क ओपन होया। तो इहदा रकबा तकरीबन जिहड़ा है वह 1,99,000 मुरबा मीटर दे विच ये वाक्य है। तो दोस्तों इस पार्क के अंदर जिहड़ा है वह एक कुदरती झील भी मौजूद है जिहदे विच तुसीं राइडिंग कर सकते हैं। बोट्स दे विच डक शेप बोट ने। तो दोस्तों इस दी तुसी जड़ी राइडिंग दी टिकट जड़ी है वो तकरीबन आधे घंटे का जड़ा है 30 मिनट का वो 2000 कोरियन वॉन है। तुसी 2000 कोरियन वॉन दी ये टिकट लैके ते तुसी राइड कर सकते हैं। ते लेक दे सामने एक वाटर स्टेज भी बड़ा खूबसूरत बनया हुआ जिते बैठ के तुसी इंजॉय कर सकते हैं राइडिंग नू। तो दोस्तों पूरी पार्क शहर के सेंटर तो तकरीबन 40-45 मिनट की ड्राइव पर वाकया है। तो असी इतने ईजीली बस के उत्ते भी यानी आ सकते हो। एक्सपो ब्रिज तो तकरीबन 13 किलोमीटर के फासले के उत्ते पूरी पार्क वाकया है। दोस्तों इस पार्क के विच पूरी कल्चरल फेस्टिवल सालाना जड़ा है उदा मेला भी इत्थे ही सजदा है। तो दोस्तों वाटर फ्रंट स्टेज, ग्रास स्क्वायर, ट्रैफिक सेफ्टी एजुकेशन सेंटर, ते नेचुरल ऑब्जर्वेटरी, ते एनुअल पूरी कल्चरल मेला जड़ा है वो विजिटर नू अपनी तरफ ये मतवजा करता है। तो इस पार्क दे विच नेचुरल ब्यूटी विजिटर्स नू काफ़ी देखने नू मिलती है जिहदी वजह ना काफ़ी विजिटर्स की तादाद पूरी पार्क का रुख करती है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड पीसफुल पार्क। वैन आई गैट अ चांस आई वुड लव टू गो अगेन एंड आई लव इट। I know you will too. Like and subscribe my channel. Thank you for watching.